हाँ जी तो तैयार हैं फिर आप लोग बिकॉज नाउ इज द टाइम टू नो वट इज वट ड्रेस कितनी दफा आप लोगों ने अभी तक ये लफ्ज सुन लिया है वर्ड प्रेस बार बार हम वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस कहे जा रहे हैं बट नाउ इट्स द टाइम टू नो कि यार ये वर्ड प्रेस है क्या भला ये है क्या चीज और ये क्या करता है लेट्स गेट ऑन विद इट वर्ड प्रेस इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग वेबसाइट्स आप इंटरनेट पर रोज जब ऑनलाइन जाते हैं आप क्या करते हैं आप ब्राउजर खोलते हैं आप ब्राउजर में जाके एक लिंक टाइप इन करते हैं यू आर एल टाइप इन करते हैं और इस लिंक को लिखने के बाद एक आप वेबसाइट खोलते हैं एग्जाम्पल्स गूगल हो गया एग्जाम्पल बी बी सी होगी कोई भी ऐसी साइट जो आप रोज़ एक्सेस करते हैं अपने ब्राउज़र से उसको हम एक वेबसाइट कहते हैं और उसको क्रिएट करने के लिए देर इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वर्ड प्रेस आप नाम में भी देख सकते हैं इट्स कॉल्ड वर्ड एंड प्रेस वर्ड प्रेस का जो नाम है वो इसी तरह शुरू हुआ था कि वर्ड वॉज अबाउट जिस तरह सिंपल कोई लफ्ज होता है लिखने के लिए एंड प्रेस इज कम्स फ्रॉम पब्लिशिंग सो इट्स कॉल्ड वर्ड प्रेस बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर फॉर पब्लिशिंग वेबसाइट इट्स ऑल्सो नोन एज अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम और इसके बारे में हम आगे जरा डिटेल में बात करेंगे कि यार ये कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है वट इज़ सी एम एस एग्जैक्टली छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि ऑनलाइन जिस तरह आप बहुत सारा कंटेंट देखते हैं अगर आप फेसबुक पे भी जाते हैं तो आपको पिक्चर्स मिलती हैं आपको वीडियोस मिलती हैं आपको टेक्स मिलता है आपको लिंक्स मिलते हैं इस सब को इस सब मवाद को हम कहते हैं कॉन्टेंट एंड द ब्यूटी ऑफ वर्ड प्रेस इज दैट इट्स अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम इट कैन हेल्प यू मैनेज ऑल ऑफ दिस कॉन्टेंट इन वन प्लेस इसको काफी डेवलपर्स, काफी एक्सपर्ट्स स्विस आर्मी नाइफ ऑफ द वेब भी कहती हैं जिस तरह आपको यहाँ पे स्विस आर्मी नाइफ का एक इमेज नजर आ रहा है स्विस आर्मी नाइफ इज अ नाइफ दैट कैन डू एवरी इसमें चाकू भी है इसमें बॉटल ओपनर भी है इसमें एक छोटी सी वॉच भी है तो जिस तरह स्विस आर्मी नाइफ एक, एक, एक डिफरेंट तरह का कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल करती है एक सिंपल नाइफ में वैसे ही वर्ड प्रेस अलाउज यू टू डू डिफरेंट थिंग्स ऑन द वेब तो वर्ड प्रेस की एक खासियत है कि वर्ड प्रेस सिर्फ कोई एक एक पर्टिकुलर किस्म की वेबसाइट बनाने के लिए नहीं यूज होता बिकॉज वर्ड प्रेस इज यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी ऑनलाइन इट स्टार्ट ऑफ एज ए टूल फॉर ब्लॉग्स ब्लॉग्स क्या होते हैं आपने काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी ऑनलाइन जिधर लोग अपने थाट्स शेयर करते हैं तो पुराने जमाने में जो एक कॉन्सेप्ट था अभी भी कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं कि लोगों को डायरी लिखने का शौक होता था उसी का जो ऑनलाइन वर्जन है उसको हम कहते हैं ब्लॉग्स एंड वर्ल्ड एक्चुअली टू में इट स्टार्टेड ऑफ एज अ प्लेटफॉर्म और एज अ टूल वेर यू कुड पब्लिश ब्लॉग्स एंडर अमेजिंग थिंग अबाउट वर्ड प्रेस इज डेट इट्स फ्री एंड इट्स ओपन सोर्स फ्री है क्यों है क्योंकि एक पूरी फाउंडेशन है वर्ल्ड प्रेस फाउंडेशन के नाम से जो इसकी डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ सॉफ्टवेयर जो आप करंट लाइफ में अभी यूज करते होंगे लाइक क्रोम विच आर फ्री टू यूज इसी तरह वर्ड प्रेस फॉर योर लाइफ इट्स फ्री टू यूज आज से तेरह साल पहले जब मैंने वर्ड प्रेस यूज किया ये तब भी फ्री था और आज भी फ्री है और आज से आगे भी आ, ये फ्री रहेगा क्यों क्योंकि इट्स सपोर्टेड बाई अ मूवमेंट विच इज नोन एज द ओपन सोर्स मूवमेंट और ये वो लोग हैं ये वो कोडर्स हैं जो कि वर्ड में फ्री कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं एंड दे कीप द सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्ड की एक और बहुत खास फीचर है और वो ये है कि वर्ड प्रेस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज मैंने अपनी लाइफ में 12 साल से 14 साल के बच्चों को भी वर्ड प्रेस यूज़ करते हुए देखा है साथ साथ मैंने 60 से 70 साल लोगों को भी वर्ड प्रेस यूज़ करते हुए देखा है क्यों बिकॉज इसकी फंक्शनैलिटी इतनी सिंपल है इट्स सो सिंपल एंड ईजी

बाई वर्ड प्रेस एंड टॉप मिलियन जो एक वेबसाइट्स हैं जो टॉप वन मिलियन वेबसाइट्स हैं थर्टी परसेंट ऑफ दोबसाइट्स आर पावर्ड बाई वर्ड प्रेस और कुछ और भी सी एम एस कॉन्टेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे बट फोकस राइट नाउ इज ऑन टेलिंग यू कि वर्ड प्रेस क्या है और क्यों एग्जिस्ट करता है वर्ड प्रेस कौन ओन करता है वर्ड प्रेस इज ओन बाई अम्यूनिटी और अ कंपनी को ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक की ये जॉब है कि वो वर्ड को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हैं और वर्ड में नई तरह की फंक्शनैलिटी डालते हैं एक और वर्ड के बारे में बहुत जो फीचर मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वर्ड प्रेस इज़ मोबाइल रेडी अगर आप वर्ड प्रेस पर किसी भी तरह की कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपकी वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिए कंपेटेबल हो जाएगी आपको ख़ुद से उसमें मोबाइल फंक्शनैलिटी डालने की ज़रूरत नहीं है दैट्स वाई आई थिंक वर्ड प्रेस इज लाइक मैजिक वर्ड प्रेस एक जादू की तरह एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू यूज द ट्रिक्स एक और फीचर जो मुझे वर्ड प्रेस की बड़ी पसंद है वो है थीम्स या अपीयरेंसेज जिसका हमने पीछे भी थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन दोबारा बताता चलूँ कि थीम्स अलाउ यू टू तो चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट तो जिस तरह मैंने यहाँ पे ये कपड़े पहने हुए हैं कल अगर मैं कोई और कपड़े पहन के आ जाऊँ सो आई वुड चेंज माई अपीरेंस इसी तरह वर्ड प्रेस की भी आप कपड़े या थीम्स बार बार चेंज कर सकते हैं एंड दैट्स अगेन अ वेरी बिग फीचर ऑफ वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस में प्लग इंस भी हैं एडेड और एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट जिससे आप नई तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और नई तरह की फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्ड प्रेस कैन ऑल्सो होस्ट मीडिया किसी भी तरह का आपके पास इमेजेस हो वीडियोस हो कंटेंट हो या फाइल्स हो वर्ल्ड प्रेस कैन होस्ट दोस्ट वर्ल्ड प्रेस कैन ऑल्सो होस्ट फॉरम्स आपने से आज से दस साल पहले अगर कुछ लोगों ने इंटरनेट यूज किया हो, तो फॉरम्स एग्जिस्ट करते थे जिधर लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे वर्ड प्रेस का एक प्लग इन है बी बी फॉरम के नाम से थ्रू विच यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल फॉरम्स वर्ड प्रेस पर आप स्टोर बना सकते हैं Let's say, आप एक ऑनलाइन शॉप खोलना चाह रहे हैं इट विल टेक यू ऑलमोस्ट अ फ्यू आवर्स टू सेटअप अ साइट ऑन वर्ड प्रेस विच हैज़ इन ई स्टोर इसके अलावा बेतहाशा और फंक्शंस uh, फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं सच एज अ ब्लॉग ई कॉमर्स स्टोर आप एक बिजनेस वेबसाइट भी सेटअप कर सकते हैं आप एक म्यूज़िक वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं या आप अपनी फोटोग्राफी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी सेटअप कर सकते हैं तो वर्ड प्रेस इज़ अ स्विस्ट नाइफ आई होप के इस कोर्स में आप ये सीखें कि वर्ड प्रेस को यूज़ करते हुए कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं और साथ साथ एक अच्छी आमदनी एंड यू कैन मेक गुड मनी विद वर्डप्रेस